अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। ये मंगल की मंडी है जी, जो गाजी में मंगल बाज़ार लगता है हर मंगल को। आज मैं आपको मंगल बाज़ार का विज़िट कराता हूँ और कोशिश करूँगा कि ये बाज़ार पूरा आपको दिखाऊँ। ये हर मंगल को लगता है। इसकी ख़ास बात ये है कि जितने भी किसान हैं इर्द गिर्द से या व्यापारी हैं, वो फ्रेश सब्ज़ियाँ और फ्रूट ले कर आते हैं इस बाज़ार में हर ट्यूज़डे को। ये गाजी में है और तकरीबन यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है आपको घरेलू यूज़ के लिए, गुड़ वगैरह, शक्कर, खालिश शहद और ड्राई फ्रूट वगैरह अच्छा मिल जाता है, सब्जियां फ्रेश मिल जाती हैं, फ्रूट वगैरह, और काफ़ी चीप रेट पर। ये जो बाज़ार है यहाँ पे काफ़ी चीप रेट में सब्जियां वगैरह अवेलेबल होती हैं और काफ़ी रश भी होती है। ये मंडी जो है बहुत पुरानी मंडी है और इसमें दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखें, फ्रेश ड्राई फ्रूट है और मसाला जात, दालें, हर किस्म की घरेलू खाने पकाने की चीज़ यहाँ से मिल जाती है। ये देखें, फ्रेश जूस का भी इंतज़ाम है। ये गन्ने का जूस निकला जा रहा है, गर्मियों का सीज़न है और गन्ने का ताज़ा जूस ठंडा ठंडा काफ़ी मुफीद होता है। और इस मंडी में कपड़े वगैरह, चप्पल वगैरह भी मिल जाते हैं मंगल बाज़ार में। सब्ज़ियाँ काफ़ी वैरायटी में अवेलेबल हैं और काफ़ी स्टॉल हैं सब्ज़ियों के, फ्रेश सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं जी। तो चलें मंगल मंडी का विज़िट करते हैं और आपको भी मंगल मंडी की सैर कराते हैं जो गाजी में मंगल बाज़ार लगता है। प्लीज़ कीप वॉचिंग।
कड़ा ले गए।
अक्षर मोहरे तो उम्मीद करता हूँ आपको मंगल बाजार की रौनकें पसंद आई होंगी। ये बाजार जी खालो और गाजी के दरमियान में लगता है और इस बाजार में देसी मुर्गियाँ देसी अंडे भी मिल जाते हैं आसानी से और खालिस शहद भी यहाँ पे अक्सर मिल जाता है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और चीप रेट पे मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मंगल बाज़ार की वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थम्स अप करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ कमेंट्स में बताएं यहाँ पे कौन कौन गया या कौन कौन जा चुका है और कौन कौन इस जगह को जानता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज़, अल्लाह हाफिज़।